Hello my dear friends, I am Professor Vyam Khan and this is the part 2 of unit number 5, frequency response analysis of the subject automatic control system. In this video we are going to discuss about the stability criteria, or you can say stability analysis. In the previous video we have discussed about the definition of stability, steady state error, and the definition of stability, what is the meaning of stability. So without spending too much time, I will begin with the subject, with the topic. So क्या है stability analysis? हमने discuss किया पिछले video में, जो stability के बारे में था, हमने बात किया है stability पे कि जो stability है इसे define कैसे करते हैं. So जब एक bounded input हम हमारे control system को देते हैं, तब उस बाउंडेड इनपुट के रिस्पांस में हमें एक बाउंडेड आउटपुट अगर मिलता है, जो हमारे रेंज में है, जो हमारे मार्जिन में है, जो हमारे लिमिटेशंस में है, तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है स्टेबल सिस्टम. ओके, द सिस्टम विच गिव्स ए बाउंडेड रिस्पांस और बाउंडेड आउटपुट फॉर ए बाउंडेड इनपुट, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज स्टेबल सिस्टम. जैसे कि हमने एग्जांपल भी लिया था कि अगर मेरा मैंने बाउंडेड इनपुट दिया है और मेरा एक इस तरीके की इस रेंज में अगर आउटपुट आ रहा है कंसिस्टेंटली, राइट, तो ऐसे आउटपुट को हम बोलेंगे कि ये स्टेबल है या ये सिस्टम जो है स्टेबल है. ओके, सो उसी तरीके से हमने दूसरे इसके एग्जांपल्स भी देखे थे स्टेबिलिटी के, कुछ हमने टाइप्स भी देखे थे, मार्जिनल स्टेबिलिटी, एग्जैक्टली स्टेबल सिस्टम एंड और दूसरे टाइप्स हमने डिस्कस किए थे. बट आज हमको जो देखना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टेबिलिटी का, वो है स्टेबिलिटी एनालिसिस. इन स्टेबिलिटी एनालिसिस में क्या रहता है, देखो हमने जैसे स्टेबिलिटी को डिफाइन किया है कि एक बाउंडेड इनपुट को बाउंडेड आउटपुट अगर रहता है तो सिस्टम स्टेबल है, बराबर. तो ये बाउंडेड इनपुट को बाउंडेड आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है ये चेक करना या इसको फाइंड आउट करना मतलब है हमारा स्टेबिलिटी एनालिसिस. देखिए कुछ हमारे पास में स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज है, जैसे कि मैंने ये एक मेन क्राइटेरिया बता दिया, बाउंडेड इनपुट है, बाउंडेड आउटपुट आना चाहिए, बराबर. ये मैंने मेन क्राइटेरिया बता दिया. इसके अलावा हमारे पास में कुछ स्पेशल क्राइटेरियाज है जिसकी मदद से हम बोलते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं है. So, stability analysis is nothing but the analysis of control system to check whether it is stable or whether it is not stable. So, ऐसे कौन से criteria है जिसकी मदद से हम हमारी system जो है, control system जो है, उसे stable है या नहीं है ये बताते हैं. तो उसमें पहला criteria है हमारा root array, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं root Hurwitz criterion. Okay. So, root array है, root array के हिसाब से क्या रहता है कि stability कब है सिस्टम में, तो जब leading left edge term do not change sign, मतलब ये क्या है, जो leading left edge term जो है ना, ये हम आगे जब root array देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे. इसका एक table रहता है कुछ इस तरीके से, और इस table में अगर पहला column जो है इसमें अगर sign change नहीं हो रहे हैं, मतलब इसमें कुछ values रहेंगी, इन वैल्यूज के अगर साइन चेंज नहीं होती, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसा नहीं हो रहा है, अगर एक ही कंटिन्यूसली एक ही साइन अगर इसमें नजर आता है, तो हम बोलते हैं कि सिस्टम कैसी है, स्टेबल है. ओके, तब सिस्टम कैसी रहेगी, स्टेबल रहेगी, अकॉर्डिंग टू विच क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू रूट एरे, और ये कैसे रूट हर्विट्ज क्राइटेरिया. दूसरा है मेरा रूट लोकस प्लॉट, ये एक किस्म का प्लॉट है, ग्राफ है. सो रूट लोकस प्लॉट में क्या होता है कि जितने पोल्स रहते हैं, यानी कि हमारे अगर हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, जो भी ट्रांसफर फंक्शन है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसके डिनोमिनेटर के रूट्स को, इसके डिनोमिनेटर के रूट्स को हम क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं. ओके, और न्यूमरेटर के रूट्स को बोलते हैं जीरोज. ठीक है, अगर मेरा जो भी ट्रांसफर फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, जी ऑफ एस अपॉन सी ऑफ एस है, ठीक है, तो इसका जो जी ऑफ एस है, ओके, और ये सी ऑफ एस है, तो ये जी ऑफ एस हो गया इसका न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर. ठीक है, तो इस डिनोमिनेटर का जो इक्वेशन रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एस के फॉर्म का, जैसे कि एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस एस, ऐसा कुछ
रहेगा एस क्यूब प्लस फोर एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस फाइव, कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रहेगा पॉलिनोमियल। सो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो कैसे होने चाहिए, वो जो रूट्स रहेंगे उसको बोलते हैं पोल्स। क्या बोलते हैं उन्हें? पोल्स। और ये जो ऊपर वाला है न्यूमेरिकल जी ऑफ एस, तो इसका जो इक्वेशन रहेगा या ये जो भी रहेगा पॉलिनोमियल, इसके रूट्स को बोला जाता है जीरोस। क्या बोलते हैं उसको? जीरोस। ओके। और उस जीरो और पोल्स के अलग अलग प्लॉट्स हम करते हैं, जैसे एस प्लॉट रहता है, ठीक है। सो हम उनके बारे में ज़्यादा हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट इसके कुछ प्लॉट रहते हैं। जब रूट लोकस शुरू होगा तब मैं उसको आपको अच्छे से क्लैरिफाई करा दूंगा। सो इसके सभी पोल्स रूट लोकस प्लॉट के हिसाब से एक सिस्टम कब स्टेबल है? जब सभी पोल्स जो है वो नेगेटिव रियल पार्ट्स है। कैसे हैं? नेगेटिव रियल पार्ट्स है। रियल पार्ट्स होना चाहिए, इसमें इमेजिनरी कोई नंबर नहीं रहेगा, बट वो कैसे रहेंगे? सभी नेगेटिव रहेंगे। ओके। तो ऐसे वक्त हमारे रूट लोकस प्लॉट के हिसाब से सिस्टम कैसी है? स्टेबल है। ओके। दूसरा सिस्टम एनालिसिस जो है, स्टेबिलिटी एनालिसिस का जो क्राइटेरिया है वो है हमारा बोड़े प्लॉट। बोड़े प्लॉट हम सेमी लॉग पेपर के ऊपर बनाते हैं। तो इसके हिसाब से कब सिस्टम स्टेबल है? तो जब रिस्पॉन्स का मैग्नीट्यूड -180 डिग्री फेज से कम रहता है। ओके। सो द रिस्पॉन्स मैग्नीट्यूड एट -180 डिग्री फेज इज लेस देन 1। वो -180 डिग्री फेज पर लेस देन 1 रहेगा। ये इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। और ये सिमुलेशन है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड। तो कंप्यूटर में जो हम सिस्टम डालेंगे उस हिसाब से ये बताएगा कि हमारा कंट्रोल सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। तो ये कब बताता है? सिमुलेट अ क्लोज लूप रिस्पॉन्स विथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंट्रोलर गेन्स अंटिल इनस्टेबिलिटी ऑकर्स। इसके अंदर कंप्यूटर की मदद से बताया जाएगा कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं। सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट क्राइटेरिया, दैट इज रूट हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरियन। अब रूट हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया जो है, इसमें दो कंडीशंस रहती हैं। कितनी कंडीशंस है? दो। एक है नेसेसरी कंडीशन और एक है सफिशियंट कंडीशन। ओके। सो नेसेसरी मतलब ये मैंडेटरी है, ये कंडीशन 101% सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके। और ये दूसरी है सफिशियंट कंडीशन है, मतलब ये सफिशियंट रही तो भी हमारे सिस्टम स्टेबल है, अदरवाइज इट इज अगर नहीं है तो भी हम बोल सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है। सो ये मैंडेटरी वाली है एक किस्म की, और ये नॉट मैंडेटरी नॉट कंपल्सरी टाइप है, सफिशियंट है। ओके। सो अगर एक सिस्टम है विच डज नॉट सेटिस्फाई द नेसेसरी कंडीशन, अगर उस नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती, तब वो सिस्टम डायरेक्टली अनस्टेबल कही जाती है। ठीक है। ये नेसेसरी कंडीशन क्या है वो भी हम देखेंगे आगे। बट अगर एक आदमी पहले खाली सिस्टम अगर इस नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, तो सिस्टम को हम डायरेक्टली बोलेंगे कि वो सिस्टम कैसी है? अनस्टेबल है। ओके। और अगर खाली सिस्टम नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो सिस्टम को हम बोलेंगे इट इज स्टेबल। इट इज आइदर इट मे बी स्टेबल और मे नॉट बी स्टेबल, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करने पर भी हमारी सेकेंड कंडीशन आने वाली है। ओके। सो इट मे बी और मे नॉट बी स्टेबल। ओके। और उसके बाद आता है कि जो सफिशियंट कंडीशन है ये हमको बताती है कि वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। अगर दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम बोलेंगे कि 100% हमारा सिस्टम कैसी है? स्टेबल है। ओके। अगर पहली स्टेबल है और दूसरी अगर अनस्टेबल है, तो मे और मे नॉट बी स्टेबल रह सकते। ठीक है। सो लेट अस डिस्कस विच आर दी टू कंडीशंस ऑफ रूथ हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरियन। सो नेसेसरी कंडीशन क्या बोलती है? द नेसेसरी कंडीशन इज दैट जो भी कोएफिशिएंट्स है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, शुड भी कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव। जैसे कि ये दिया है, समझो मैंने आपके सामने ये एक इक्वेशन रखा है, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन है एन ऑर्डर का। ओके। सो इसके अंदर कुछ हमारे पास में कोएफिशिएंट्स है, जैसे कि ये एस रेस टू एन है, जिसका कोएफिशिएंट है a0, ये एस रेस टू एन माइनस वन है, तो इसका कोएफिशिएंट है a1, इसका है a2, अप टू सो ऑन अप टू an एस रेस टू 0। तो जैसे जैसे ये n इधर से आगे कम होता जाएगा, वैसे वैसे ये 0 से कोएफिशिएंट्स बढ़ते जाएंगे, an तक बढ़ते जाएंगे। ओके।
ये इक्वेशन में सबसे पहली कंडीशन जो देखेंगे हम नेसेसरी वाली, वो क्या बताएगी कि ये सभी कोएफिशिएंट्स जो है, जितने भी कोएफिशिएंट्स हमको इस इक्वेशन में दिखेंगे, जो भी इक्वेशन रहेगा वो कैसे होने चाहिए, दे शुड बी पॉजिटिव. वो कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव. व्हाट दैट इंप्लाइज, दैट इंप्लाइज दैट ऑन द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन शुड हैव नेगेटिव रियल पार्ट. मतलब इनके जितने भी रूट्स बनेंगे इस इक्वेशन की, जो रूट बनेंगे मतलब जो पोल्स बनेंगे, वो कैसे रहेंगे, नेगेटिव रियल पार्ट्स रहेंगे. ओके, वो कैसे रहेंगे, नेगेटिव रियल पार्ट्स रहेंगे. ओके, और एक इसके साथ में हमारे पास में एक छोटी सी सब कंडीशन है, सब बोलने की बजाय इसी का पार्ट है कि इसमें से कोई भी जो टर्म है इट शुड नॉट बी मिसिंग. जैसे कि नोट दैट देयर शुड नॉट बी एनी टर्म मिसिंग इन दी nth ऑर्डर. जो ऑर्डर है वो ऑर्डर बराबर होना चाहिए. अगर मेरे पास में एस क्यूब है, ओके, तो एस क्यूब के बाद में आना चाहिए एस स्क्वायर के बाद में आना चाहिए एस. अगर मेरे पास में एस रेस टू फोर है तो मेरे पास में उसके बाद आना चाहिए एस क्यूब, उसके बाद आना चाहिए एस स्क्वायर, और उसके बाद आना चाहिए एस. ओके, इसमें से कोई भी टर्म अगर मिसिंग है तो हम बोलते हैं कि उसका कोएफिशिएंट क्या है, जीरो. जैसे कि अगर जीरो इस एस का कोएफिशिएंट है तो ये जीरो और एस का कोएफिशिएंट, ये जो जीरो और एस है इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हटा देते हैं. हम क्या लिखते हैं, एस रेस टू फोर, एस रेस टू थ्री प्लस एस रेस टू टू, और आगे जो भी कॉन्स्टेंट वगैरह रहेगा वो वगैरह वगैरह सब लिख देंगे हम, बराबर. तो यहाँ पर जो एस की टर्म है इसका कोएफिशिएंट जीरो होने की वजह से एस की टर्म लिखी गई, राइट. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी कोएफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू क्या हो, जीरो. अगर उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है तो हमारा ऑर्डर का ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा, हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सही नहीं रहेगा. तो ऐसे वक्त बोला जाएगा कि सिस्टम अनस्टेबल है. तो ये दो चीजें नेसेसरी क्राइटेरिया में सेटिस्फाई होनी चाहिए. दूसरा है सफिशियंट क्राइटेरिया, जो सफिशियंट होना चाहिए सेकेंड क्राइटेरिया, कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ रूट एरे शुड हैव द सेम साइन. इसका रूट एरे का एक टेबल बनेगा जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, और इसका जो पहला कॉलम रहेगा, इस पहले कॉलम में सभी वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, सेम साइन की. एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, नहीं चलेगा, सिस्टम इज नॉट स्टेबल. ओके, और ऐसा अगर सेम साइन आ जाता है सबका तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिस्टम इज स्टेबल. सो दिस मीन्स दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम एरे शुड बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, तो क्या है रूट एरे मेथड, चलो डिस्कस करते हैं. उसका न्यूमेरिकल हम अगली वीडियो में लेंगे, बट लेट अस डिस्कस अबाउट रूट एरे मेथड. ओके, सो क्या बोलती है रूट एरे मेथड. इफ ऑल द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एग्जिस्ट टू द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन, एस प्लेन के अगर लेफ्ट हाफ में सभी मेरे रूट्स रहते हैं तो सिस्टम को बोला जाएगा स्टेबल. अब ये लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन जो है वो कैसे रहता है, क्या रहता है, इसके बारे में प्लॉटिंग के वक्त देखेंगे. बट हमारे पास में जो रूट एरे मेथड है इसके अंदर हमको टेबल का इस्तेमाल करना है जिससे हम बताएंगे कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है. ओके, सो हमको क्या इशू आता है पता है क्या, कि जो रूट्स रहते हैं, ये जो इक्वेशन है आप देख रहे हो, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन काफी कॉम्प्लेक्स रहता है. उस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के रूट्स हर बार निकालना आसान नहीं है. छोटा इक्वेशन रहा, एक दो ऑर्डर का रहा तो निकालना आसान हो जाता है, डायरेक्टली बता सकते कि स्टेबल है या नहीं है, बट हर बार नहीं पॉसिबल. इसलिए हम रूट एरे मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमें रूट्स जो है या जो उसके पोल्स है या जो हमको जो ब्रेकअप करना है वो करने की जरूरत नहीं है. तो कैसे रहता है रूट एरे मेथड. सो इन दिस मेथड देर इज नो नीड टू कैलकुलेट द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. सो पहले हम फॉर्मुलेट करते हैं उसका टेबल. ठीक, सबसे पहले रूट एरे मेथड में क्या करेंगे हम, उसका टेबल जो है वो फॉर्मुलेट करेंगे, और उसके बाद में हम पहला कॉलम जो है पहले कॉलम के सभी नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग सम सिंपल मेथड, और उसके बाद हम बताएंगे वेदर दिस फर्स्ट कॉलम इज हैविंग सम साइन चेंजेस और नॉट. तो कैसे करते हैं देखो, पहले तो ये प्रोसीजर फॉलो करना है रूट टेबल बनाने के लिए. क्या करना है कि फिल द फर्स्ट टू रोज ऑफ रूट एरे विद द कोएफिशिएंट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. ओके, जो पहले दो रो रहेंगी टेबल की
इसमें क्या भरना है आपको, इसके अंदर आपको A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 जितने भी रहेंगे कोएफिशिएंट्स, वो अल्टरनेटली लिखना है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। इस तरीके से हमको क्या करते जाना है, कोएफिशिएंट्स को लिखते जाना है, ओके, पहले दो रो, और बची हुई रोज जो है या बचे हुए जो भी सेल्स रहेंगे इसके अंदर हमको क्या करना है, बाई यूजिंग सिंपल फार्मूला हमको उसका कैलकुलेशन करना है, ओके। Also fill the remaining rows of root arrow array with the elements as mentioned in the table below. Okay. So if any row elements of the root table have some common factor, then you can divide the row elements with that factor. So it is for the simplification and it is for the ease of the you can say procedure. Okay. So here actually we have our polynomial equation. Okay. इस पॉलीनोमियल इक्वेशन में s रेस टू n है, जो कि इसकी ऑर्डर है n, nth ऑर्डर का ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ओके। और ये हमारा रूट का टेबल, रूट एरे का टेबल बना है, ओके। सो पहले दो रो में आपको क्या लिखना है, पहले दो रो में आपको सिंपली लिखना है जो भी कोएफिशिएंट्स है वो, तो हम A0 से शुरू करेंगे, तो एक ऊपर लिख दिया मैंने A0 बराबर है, दूसरा क्या है एस रेस टू एन माइनस वन, तो ये एस रेस टू एन माइनस वन यहाँ पर लिखते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर लिखना है A1, ठीक है। उसके बाद कौन सा है एस रेस टू एन माइनस टू, तो इस एस रेस टू एन माइनस टू को इधर लिखना है, जो भी हमारे एस की टर्म्स है वो सभी टर्म्स यहाँ पर आएगी डिसेंडिंग ऑर्डर में, ओके। अब ये पहला मैंने एक कोएफिशिएंट यहाँ लिख दिया, दूसरा कोएफिशिएंट यहाँ लिख दिया, तीसरा यहाँ लिखना है, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवा यहाँ, आठवा यहाँ, सो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से आपको क्या करना है सभी कोएफिशिएंट्स लिखना है। तो ये पहला कॉलम, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये तो भर जाएगा, ये दोनों रोज भर जाएंगे, ओके। अब हमारा जो एनालिसिस वाला कॉलम है, तो ये है हमारा एक्चुअल वाला फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये वाला जो मैं भी डार्क कर रहा हूँ ना, ये पोर्शन, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट कॉलम दैट इज इम्पॉर्टेंट, ओके। सो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अब, A0 और A1 तो आ गया मेरे पास में, राइट, A0 और A1 यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। अब यहाँ की जो टर्म रहेगी इसको मैं बोलूंगा B1, यहाँ की जो टर्म रहेगी इसको बोलूंगा मैं B2, यहाँ की जो टर्म रहेगी इसको मैं बोलूंगा B3। उसी तरीके से नेक्स्ट वाली जो रो है इसके लिए C1, C2, C3, नेक्स्ट वाली के लिए D1, D2, D3, E1, E2, E3, अगर बहुत सारे टर्म्स रहते हैं तो, ठीक है। और सबसे आखिरी में आएगा मेरा A^n, मतलब ये जो आखिरी वाला रहेगा ना कॉन्स्टेंट, आखिरी वाला जो कोएफिशिएंट रहेगा वो यहाँ पर लिखना है, ओके। और वो सेम कोएफिशिएंट यहाँ पर भी आएगा इसके एंड में, ओके। सो हमने B1 कैसा निकालना है, तो B1 निकालने के लिए हमको सिंपल फार्मूला यूज करना है जो हम मैट्रिक्स में कई बार कर चुके हैं, ये वाली टर्म इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो A1 A2, और ये वाली टर्म इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो A3 A0। सो A1 A2 माइनस A3 A0, पहली टर्म को दूसरी टर्म को पहली टर्म में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो A1 A2 माइनस A3 A0 फॉर दिस वन, B1 के लिए, हाँ B1 के लिए करना है, डिवाइडेड बाय A1 सिंपली आपको कर देना है, जो भी वैल्यू रहेगी वो रहेगी B1, उसका साइन चेक करेंगे बाद में लास्ट में। B2 के लिए क्या करना है आपको, तो B2 के लिए A1 को अगले वाले कॉलम की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, A1 A4 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस A5 A0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय A1। B3 के लिए क्या करना है, A1 को A6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ओके, माइनस A7 A0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये A1 और A0 जो हर जगह पर बने रहेंगे, अगली टर्म्स क्या होती जाएगी, चेंज होगी, ओके। इससे भी आगे अगर कुछ है B4 अगर है, तो यहाँ पर जो रहेगा A8 रहेगा समझ लो, तो इस A1 को A8 के साथ और A9 को A0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइडेड बाय A1 करना है, सो दैट विल बी द वे ऑफ फाइंडिंग B1 B2 B3। C1 के लिए क्या करेंगे, जैसा A के लिए किया वैसे B का यूज करना है, सो B1 A3 मल्टीप्लाई होगा, ओके, माइनस B2 A1 मल्टीप्लाई होगा एंड डिवाइडेड बाय B1, ओके। अगली बार C2 के लिए क्या होगा, प्लस B1 A5 मल्टीप्लाई होगा एंड B3 माइनस B3 A1 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, B1 रहेगा, ओके।
इसरो में सभी जगह पर A1 से डिवाइड करना है, इसरो में सभी जगह पर B1 से, इसरो में सभी जगह पर C1 से डिवाइड करना है। ओके।